नमस्कार दोस्तों, रंजना वेचूर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कटहल के पेड़ के पास। तो दोस्तों, आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं कटहल की बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अभी हम चलते हैं कटहल के पेड़ के पास। और इधर काफ़ी ऊपर ऊपर तक कटहल फरे हुए हैं। यहाँ पर चार पेड़ है कटहल का। देखिए इस वाले पेड़ में कितना ढेर सारा कटहल लगा हुआ है और काट करके बेचा जा चुका है। और इस वाले पेड़ में देखिए एकदम जड़ के पास में फरा हुआ है कटहल, एकदम नीचे से ही दो कटहल है। तो अब यहीं से हम भी कटहल तोड़ेंगे, तो देख लेते हैं जो कटहल हमको सही लगता है उसी को काटेंगे। कटहल के जड़ के पास ये देखिए जार रखा हुआ है। तो इस कटहल का जो सब्जी बनता है बहुत ही अच्छा आता है, दादाजी बता रहे हैं बहुत ही टेस्टी आता है इस कटहल की सब्ज़ी। तो हम ये इसी वाले पेड़ में से कटहल काटेंगे। तो यही कटहल हमको सही लग रहा है, बट ये कटहल ऊपर है तो हम ये खटिया है तो इसी के ऊपर चढ़ करके इसको काट लेते हैं। काटने के लिए मैंने ये चक्कू लिया हुआ है, इसी से काटेंगे। तो कटहल को मैंने तोड़ लिया है, इतना बड़ा सा कटहल है। तो देखिए इसमें वो काफ़ी सारा दूध निकल रहा है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे तो इसका सारा दूध गिर जाएगा। तो कटहल को लेकर के हम चलते हैं घर पे। कटहल को हम घर पर लेकर आ चुके हैं, तो कटहल को हम काटेंगे। काटने से पहले हम हाथों में सरसों का तेल लगा लेते हैं, और ये काटने के लिए मैंने ये बाका लिया हुआ है, इसमें भी लगा देते हैं क्योंकि कटहल में बहुत ज़्यादा दूध होता है। थाली में भी हम लगा देते हैं तो दूध हाथों में चिपक जाएगा और बर्तन में भी लग जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है, इसीलिए। अब हम इस कटहल को काटना शुरू करते हैं। तो कटहल को हम ऐसे बीच से काट लेंगे, देखिए लग चुका बाका में लग गया है। कटहल को हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर ले रहे हैं। तो कटहल अभी बहुत नरम है तो इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी आएगी। तो कटहल का जो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम निकाल देंगे चाकू से, देखिए इसको हमने निकाल दिया है। और इसके ऊपर जो ये जो इतना सारा रहता है अंदर, इसको भी हम निकाल देंगे, ये खाने में अच्छा नहीं आता है। तो देखिए, और कटहल को हम इतने इतने बड़े साइज का रखेंगे। तो ऐसे ही हम सभी कटहल को काट लेते हैं ऊपर का छिलका हटा करके। तो सभी कटहल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है, इसका ऊपर का छिलका निकाल दिया है। तो कटहल को उबालने के लिए मैंने कुकर लिया हुआ है, तो कुकर के अंदर हम कटहल को डाल देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। कुकर को रख देंगे चूल्हे पे। आग को मैंने जला लिया है। अब कटहल को हम एक सीटी आने तक उबालेंगे। तो एक सीटी हो गई है, कुकर को हम निकाल लेते हैं चूल्हा से नीचे। तो कटहल को मैंने कुकर से बाहर निकाल लिया है और कटहल हमारा काफ़ी अच्छे से उबल चुका है। ये देखिए हाथों से हम दबा रहे हैं तो ये देखिए कितना अच्छे से दब जा रहा है। तो अभी हम कटहल को फ्राई करेंगे, तो इसी कुकर में हम डाल लेते हैं सरसों का तेल। तो कटहल को भी हम फ्राई करेंगे तेल में। कटहल को उबालने से दोस्तों कटहल में जो दूध रहता है वो सब निकल जाता है। तो कटहल को मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से। अब कुकर को हम उतार लेते हैं चूल्हा से नीचे। कटहल को निकाल लेते हैं थाली में।
देखिए काफ़ी अच्छे से कटहल हमारा फ्राई हो चुका है। तो चूल्हा पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, सब्जी जो हम बनाएंगे कटहल की लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो इसमें हम डाल लेते हैं सरसों का तेल। इधर मैंने प्याज और लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया हुआ है, तो इसमें सभी मसाला मिला लेते हैं। तो ये हम डाल लेते हैं धनिया पाउडर और डाल लेते हैं गरम मसाला और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज का तड़का दे देती हूँ। हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें जो हमने सभी मसाला तैयार किया हुआ है इस मसाला को डाल देते हैं। मसाला को मैंने अच्छे से भून लिया है, देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल लेते हैं। तो 3 टमाटर हमने पीस करके टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे दही, तो इतना हमने दही लिया हुआ है। दही डाल करके कटहल की सब्जी बनाए दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्ट आता है कटहल की सब्जी का। तो 2 मिनट तक मैंने ऐसे ही इनको पका लिया है, अब हम इसमें कटहल को डाल देते हैं। तो कटहल को डाल करके हम कलछुल से चला देंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपने स्वाद के अनुसार नमक। नमक डाल करके हम कलछुल से चला देंगे। तो अभी इनको हम 2 से 3 मिनट तक थाली से ढक करके पका लेते हैं धीमी आंच में। तो थाली को हटा देंगे, 2 से 3 मिनट हो चुका है, सब्जी को हम चला देंगे कलछुल से। तो सब्जी में हमारी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। आवश्यकता के अनुसार मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब हम ऐसे ही 10 से 12 मिनट तक इनको पका लेंगे। सब्जी हमारी एकदम से पक चुकी है। अभी हम कढ़ाई को उतार लेते हैं चूल्हा से नीचे। तो कितनी खूबसूरत और कितनी स्वादिष्ट और टेस्टी हमारी ये कटहल की सब्जी बनकर एकदम से तैयार हो चुकी है। आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये कटहल की सब्जी बनी हुई है। दोस्तों मैंने थोड़ा सा सूखा ही बनाया हुआ है, आप लोग चाहे तो ग्रेवी थोड़ा और ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना हुआ है, कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा कटहल का सब्जी, आप लोग को नज़दीक से दिखा दे रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने बनाना बताया हुआ है इसी तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, बहुत ही अच्छा आएगा आपकी कटहल की सब्जी, बिल्कुल हलवाइयों जैसा बनेगा आपकी ये सब्जी। तो इस सब्जी को आप चावल के साथ, पराठा के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं, औरों को भी खिला सकते हैं। अगर रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो आप लोग इस तरीके से कटहल की सब्जी बना करके उनको खिलाइएगा, तो वो लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी में मैंने बनाया हुआ है कटहल की सब्जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में ऐसे कुछ अलग तरीके की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।